की बड़ी खबर आ रही बैतूल से, जहां पर छिंदवाड़ा बैतूल पैसेंजर में आग लगी है और इसमें एक के दो बोगी में आग लगी है। आपको बताते चलें कि इस आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आउटर पर ये ट्रेन खड़ी हुई थी तब इसमें आग लगी, दमकल ने आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर में लगभग तीन बोगियों में आग की खबर बताई जा रही है। आउटर में ये पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, गनीमत ये रही, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बोगियों में आग लगी हुई है, ये भयंकर आग लगी। गनीमत ये रही कि ट्रेन आउटर पर खड़ी थी, जिससे जो पैसेंजर थे उन्हें उतरने का मौका मिल गया, अन्यथा एक बड़ी घटना हो सकती थी। तीन कोच पूरे जल गए हैं, ये जानकारी मिली है, तीन कोच जो इसमें थे वो पूरे जल गए हैं। 20 से 25 मिनट तक का वक्त लगा यहां पर फायर फाइटर्स को इस पूरी आग पर काबू पाने के लिए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं बैतूल से राजेश पाल। राजेश, आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है, कोई जनहानि की खबर? नहीं सर दीपक जी, आग लगने की वजह का कुछ कारण अभी स्पष्ट नहीं किया है रेलवे ने, लेकिन जनहानि इसमें कुछ नहीं हो पाई है। देखिए रेलवे क्या है, ट्रेन जो है एक्चुअली प्लेटफॉर्म से आउटर पे खड़ी हुई थी, जिससे शाम को छिंदवाड़ा के लिए निकलना था। जैसे ही इसे आउटर से प्लेटफॉर्म की तरफ ला रहे थे, उसी समय एक डिब्बे में से हल्का सा धुआं दिखाई दिया और लोग बाग कुछ समझ पाते उतनी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे लगभग ट्रेन के तीन कोच जल गए हैं। ठीक है, जो तीन कोच जले हैं, क्या ये कौन से कोच थे, S2 है, S1 या पैसेंजर या जनरल कोच थे, कौन से कोच थे जिनमें आग लगी? पैसेंजर ट्रेन थी सर, इसमें सारे जनरली कोच थे इसमें। जी जी, रेलवे की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया इस पूरे अग्निकांड को लेकर, जिस तरह से ये आग इसमें लगी है? क्योंकि अगर ये ट्रेन रनिंग में होती और चल रही होती तो जाहिर है कि जब तक ये उतरती कई पैसेंजर इस आग की जद में आ सकते थे। जी जी दीपक जी, अगर पैसेंजर से भरी हुई अगर ट्रेन रहती तो इस तरह से जिस तरह से आग ने विकराल रूप लिया है, नो डाउट उसमें बहुत सारे लोगों को जनहानि हो जाती। और इसमें जो तीसरा कोच था उसमें बता दूं आपको कि AC S4 का जो कोच था वो भी इसमें जला हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो आग लगी है उसकी वजह हालांकि अब तक साफ नहीं हुई, ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से कोच जले हैं ऐसा लग रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ियां काफी देरी से पहुंची, क्योंकि लगभग कोच पूरे जल चुके हैं। जी जी, दमकल की गाड़ियां पहुंच तो गई थी, लेकिन क्या है ट्रेन के पास तक पहुंचने का उनके पास में साधन नहीं था। फिर इंजन की सहायता से जितने डब्बों में आग लगी थी उनको अलग किया गया, उसके बाद दमकल की गाड़ी फिर आग बुझा पाई है। ठीक है, रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है इस पूरे घटना को लेकर? नहीं, प्रशासन अभी कुछ भी बोलने में जल्दबाजी बोल रहा है कि अभी आग का जो भी कारण है जब तक के कुछ ज्ञात नहीं होता कहने में अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, यही उनका स्टेटमेंट है अभी फिलहाल में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरह से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस ट्रेन में आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि यह ट्रेन आउटर पर खड़ी हुई थी, पैसेंजर्स को मौका मिल गया उतरने का, लेकिन 20 से 30 मिनट का समय इस आग को बुझाने में जरूर लगा, ये तीनों को जलकर खाक हो गए।